हाय फ्रेंड्स, मैं शिवम कुमार और आप लोग देख रहे हैं टेक भाई। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो एयरटेल ने ऑफ़र दिया है iPhone 7 के साथ, जो कि सिर्फ 7777 यानी कि 707 रुपीज़ ओनली, वो भी केवल पोस्टपेड ग्राहकों के लिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ये ऑफ़र कैसे काम करता है और इसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। और एयरटेल ने इसे सिर्फ 707 रुपीज़ में क्यों लॉन्च किया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसा देख सकते हैं, मैं अपने स्क्रीन के सामने ये ओपन किया हुआ है iPhone 7। यहाँ पे देखिए एयरटेल का जो पेज है, airtel.in करने पर आप भी कीजिएगा तो ये ऐसे आपको आ जाएगा सेम। और जैसे ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर है गेट iPhone 7 at 7777 ओनली विथ एयरटेल पोस्टपेड प्लान ऑफ RS 2049 9499। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एयरटेल का पेज है और यहाँ पे आपको सिर्फ 7777 रुपये में ये फ़ोन आपको मिल रहा है। तो इसके लिए एयरटेल ने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया है, जो कि चलिए हम उसको देखते हैं क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, जैसे आप गेट इट नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको क्या ऑप्शन यहाँ पे आता है। यहाँ पे है कि ये आपको फ़ोन EMI पे मिलता है, एंड जो आईफोन 7 आप ख़रीदते हैं तो आपको EMI पर मिलता है। और ये यानी कि आपको क्या करना है, EMI और EMI कैसे वर्क करता है इसका, मैं आपको कुछ देर में बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 30 GB डाटा पर मंथ मिलेगा दोस्तों, और आपको हैंडसेट डैमेज का प्रोटेक्शन मिलेगा, और एक अपने मेंबर के लिए यानी घर के किसी भी मेंबर के लिए फ्री मिलेगा आपको कनेक्शन, आप उस पर फ्री कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे इसका दिया हुआ वेबसाइट पे कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसको क्या है कि आप जैसे कि 777 यानी 7777 रुपये देकर एयरटेल कंपनी को देते हैं तो ये आपको फ़ोन मिल जाएगा। लेकिन आपको उसके बाद करना क्या है, आप तो फ़ोन ले लिए लेकिन ये फ़ोन EMI पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोन 2499 रुपये एवरी 24 मंथ, यानी कि आपको 2499 रुपये पे करने होंगे EMI पर 24 महीने, यानी अगले 2 साल तक आपको। तो आपको ये टोटल कॉस्ट लगभग 60,000 पड़ जाएगा, और ये 7777 जोड़ देते हैं तो आपको 67,000 पड़ जाएगा, यानी लगभग 68,000। तो ये है दोस्तों एयरटेल का ट्रिक। तो क्या फ़ायदा होगा आपको ये लेने पर, यहाँ पर जबकि जो है एयरटेल का जो है आपको मिल रहा है एयरटेल के द्वारा ये 77,000 में 2 सालों में। तो आप 77,000 जब खर्चा कर सकते हैं 2 सालों में, यानी अगर पर मंथ 2,500 खर्च कर सकते हैं, तो आप iPhone 7 ही लेना चाहते हैं तो आप अमेजन पे भी ले सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस पर अमेजन पे इसका प्राइस कितना है। तो जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है आपका एप्पल iPhone 7, जो कि अमेजन पे ये सिर्फ 38.999 यानी कि 40,000 पे मिल रहा है। तो आप अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट पे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एयरटेल का प्लान इतना घटिया है कि आपसे लूटना चाहता है, या डैमेज प्रोटेक्शन दे दे रहा है बात अलग है, लेकिन इसको 2 सालों में 60,000 रुपये 70,000 लगभग मान लीजिए, और यहाँ पे आपको 39,000 यानी कि आपको बहुत 30,000 का लगभग 30,000 का डिफरेंस पड़ गया। यानी कि अगर आप 2 सालों में 30,000 खर्चा करना चाहते हैं, उससे बढ़िया अगर थोड़ा सा भी अगर आप पर मंथ जो है 2,500 देना चाहते हैं, उससे बढ़िया है कि हम एक ही बार लगा कर 39,000 हम आईफोन 7 नहीं ले लेंगे, जो कि हम लेंगे पर मंथ 2,500 यानी कि हमको 70,000 अबाउट पे करना पड़ जाएगा। तो क्या ज़रूरत है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए ऑफ़र है जो सिर्फ एप्पल आईफोन 7 लेना चाहते हैं और वो केवल उसको सिर्फ सस्ते में लेना चाहते हैं, और भले ही वो बाद में पैसे भरते रहें उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आईफोन 7 चाहिए। यार दोस्तों, ये इंडियन मार्केट बहुत गंदा हो चुका है, यहाँ पर सिर्फ लोग ब्रांड देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से समझ गए होंगे कि ये कि कैसा ये एयरटेल का ऑफ़र आपके लिए बढ़िया नहीं है, आप इसको जो ना ही ले तो बढ़िया है,
और इससे बढ़िया आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पर से ले लें, आपका अराउंड 40,000 में ये iPhone 7 पड़ जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं iPhone 7 ये, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक होगा, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।